मखदूम साहब सामाईकुम इट्स सो नाइस टू बी इन योर यस्ट्रल होम मखदूम अब्दुलरशीद आपके जदम अमजद यहाँ आठ सौ साल पहले आए और इस इलाक़े का नाम भी उनसे मुंसलिक है मखदूम रशीद का इलाक़ा आप भी यहीं पैदा हुए नाइनटीन एट में और तालीम यहाँ हासिल की और फिर आप लाहौर चले गए पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं पहले मुल्तान में एमरसन कॉलेज में था। जी बिल्कुल एमरसन कॉलेज से आप फिर पंजाब यूनिवर्सिटी गए वहाँ क्या हुआ आपकी सियासत की इब्तदा वहाँ से होती है नहीं सियासत की इब्तदा तो यही से होती है मैं बारह साल की उम्र का था अयूब खान का दौर हकुम था तो यूनिवर्सिटी ऑर्डीनेंस कोई आ गया हम तो जानते नहीं थे पूरे मुल्क में तलबा के जुलूस निकल रहे थे हमारे स्कूल वालों ने हमने भी वो अयूब खान के ख़िलाफ़ नारे लगाए और सड़क तक तक चले गए तो 12 साल के अंदर मैं थाना मखदूम रशीद के अंदर गिरफ्तार हो चुका था माशाल्लाह 12 साल की उम्र से शुरू करें जी हाँ क्या आप उस वक्त भी बागी थे बाद में तो आपने किताब लिखी हाँ।, हाँ मैं बागी हूँ कहीं भी कोई जाति कर रहा होता मैंने उसमें कूदना कूद पर, है कूद रहा है सेकेंड ईयर में गया जुल्फकारी भुट्टो ने उस तहरीक को आगे चलाया हुआ था तो हम जुल्फकार भुट्टो के उस उशाक में से हो गए उनके नारे लगाते और फिर वो भी मेरे कंधे पे हाथ रख के तकरीर करते जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वहाँ पर इस्लामी जमयत तलबा में आप शामिल हो गए ये कैसे हुआ मैं जब यहाँ पे भुट्टो साहब के साथ हम जाते थे वो दो तीन मौाक़े पे उन्होंने हमें झिड़क दिया किस वजह से कि क्या फिश मार्केट बनाई हुई है अगर किसी से सवाल सवाल ज़्यादा कर दिए तो मैंने कहा जी हम सवाल करना तो हमारा हक बनता है तलबा की तंजीमें थी मशरक़ी पाकिस्तान की उन्होंने बारह नुकाती एक प्रोग्राम बनाया तो मैंने कहा जी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है तो उन्होंने कहा आप खामोश हो जाएं मैंने कहा जी फिर मैं जा रहा हूँ बात यह है कि हमारी जो लेफ्ट की तरीकें थी वो सारी हो गई भुट्टो साहब की पीपल पार्टी में कई लोग लेफ्ट के वो उन्होंने अपनी तंजीमें बाकायदा रखी भुट्टो साहब के मुखालफ रहे मज़दूर किसान पार्टी मुखालफ रही आ, ये नेशनलिस्ट सारे जो थे नेशनल अवामी पार्टी मुखालफ रही बलूचिस्तान में और उस ज़माने के फ्रंटियर में आप ही मुखालफत कर सकते थे नहीं देखिए हमें तो बल्कि मैं आपको अजीब बताऊँ मुल्तान की मुल्तान मुल्तान की जो सियासत है कसुर गर्देजी जो है वो लेफ्ट की सबसे -सब ज्यादा मार भी उन्होंने खाई जी जी जंगी भी उन्होंने लड़ी जी जेले भी उन्होंने काटी लेकिन जेलें भी उन्होंने काटी इलेक्शन लड़ा उन्होंने वो मुतफ़ा कैंडिडेट थे जमात इस्लामी के और नेशनल आवामी पार्टी के उस वक्त की रिलीज पार्टीज मजहबी जमातें जमहूरियत के साथ हुआ थे जमात इस्लामी अच्छा कस... तो, इस हाँ, 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 हाँ। तो फिर आप बांग्लादेश नामंजूर मुहिम में कैसे शामिल आप देखे वहाँ की जमात इस्लामी ने इसके खिलाफ काम किया अगर बन भी जाए तो ये मस्जिदें ये इस्लाम उसको कोई ख़तरा नहीं है ये सबसे बड़ा मुसलमान यहाँ रहते हैं लेकिन जो आर्मी करके जा रही है हमें फांसियाँ लगाई जाएंगी, हमें उल्टा लटकाया जाएगा और उसी प्रोफेसर गुलाम आजम को अभी उन्होंने फांसी दी है, तिरानवे साल की उम्र में मखदूम साहब गलती का इतराफ़ कर लें बांग्लादेश मंजूर मुहिम का हिस्सा नहीं होना चाहिए नहीं, था। नहीं होना चाहिए था देखिए आप फिर पर 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 आज करते हैं मैंने ना मंजूर क्या क्या कहा था हमने कहा था कोई बंगालियों के ख़िलाफ़ नहीं थी बात हमने कहा था कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए भुट्टो साहब जो हैं वो बांग्लादेश मंजूर करना कराना चाहते हैं अगर उन्होंने ये कर लिया तो फिर हमारे तमाम मामला करते। और तक नहीं हुए ना उसे। जो वो इलेक्शन जीता था मुजीबुर तो हक में थे कि मुजीबुर रहमान को जो फतह हासिल हुई इलेक्शन में हाँ उसको तस्लीम कर लेना चाहिए तस्लीम करना चाहिए अच्छा इशू यही है की मेरे सामने वाकत होते रहे मियाँ महमूद अली कसूरी तो फिर ये मंजूर बंग्लादेश क्या मैं सुन ले ना मियाँ महमूद अली कसूरी मियाँ ख़ुर्शीद कसूरी आ, सदा शौकत याद ये ढाके के अंदर बैठ के इंटर कॉन्टीनेंटल के अंदर बैठ के ये से तकसीम कर रहे थे पीपल्स पार्टी तो वहाँ पार्टी नहीं थी ये से तकसीम कर रहे थे और तमाम मिल के जमात इस्लामी भी ये मिल के बंदर बांट कर रहे थे सीटें दे रहे थे एक दूसरों को मैंने अपनी आंखों से जब देखा कि भाई वहाँ के लोग हमें प्यार करते हैं लेकिन अगर हम उनको देखें चंगा प्यार करते हैं वो तो हमसे आज़ादी चाह रहे थे मखदूम साहब आज़ादी का पहले तो उन्होंने कभी नारा नहीं लगाया देखें फिर हिस्ट्री को चेंज ना करें मैंने तो हिस्ट्री देखा इलेक्शन में अगर उनको आजादी तलब ना होती तो वो नहीं तकरीरें दे दे सुनी है जो पलटन मैदान में की सुनी है जी आखिरी तकरीर तक उसने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ जी जी बिल्कुल और तो तस्लीम कर लेते ना उस इलेक्शन के तो तो आप तो यही तो, तो, तो बात मैं कर रहा हूँ आप उससे पहले उस तस्वीर कराना चाहते हैं जब वो खुद नहीं मांग रहे थे आपने बांग्लादेश नामंजूर का नारा किस सन में लगाया नहीं, नहीं वो तो छिहत्तर त्या, में ये शुरू में नहीं है आप कहीं कंफ्यूज कर नहीं, रहे हैं तो तिहत्तर में तो बांग्लादेश बन चुका था हम यही बात कर रहे थे कि पहले आपने मुजीब शेख को जेल में रखा उससे बात भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात ही नहीं करना चाहते थे वो बात यही करना चाहता था भुट्टो को भी उससे कहा वली खां को कहा कि भाई तुम तो मुझे सिखाने आए हो कि पाकिस्तान से मोहब्बत कैसे की जाती है आपने आज़ादी की जंग लड़ी हो सी, लड़ी होगी लेकिन पाकिस्तान की जंग तो हमने लड़ी है बाईस किलो पर जा, जा जा के हर कीमत में उनको निकालना था क्योंकि ये तो सवाल बल्कि मामला उनके तय हो गए थे बलूचिस्तान के सारे लोग उनसे मिल चुके थे सराहद के वली खान उनके साथ मिल चुके थे सिंध में भी भुट्टो साहब की अक्सरियत नहीं थी क्यों खां को साथ मिला के उन्होंने सुबाई हुकूमत बनाई चलते हैं आपकी इस्लामी जमाइतलबा के दिनों में वहाँ पर माल रोड पे और लाहौर के नवा में काफ़ी खून खराबा भी होता था लड़ाई झगड़ा भी होता था क्या एक जमाने में कोई कत्लो गारत भी हुई आपसे कोई वायलेंस तो नहीं हमने मेरे बारे में एफआईआर 302 का पर्चा तीन सौ तो दो का जी बरकाल शहीद के नाम पे हुआ कहा जाता है कि आपने उसको क्लोज पॉइंट रेंज पे आ, आप सुने, मारी सुने, जी आप सुने जी पैतीस साल बाद जेल में मेरे पास आए राजा अनवर और खुर्शीद बरकाज का कज़न था साथ उनकी वालदा को लेकर आए उन्होंने कहा कि आपको अदालतों ने तो बरी कर दिया था पैंतीस साल हो गए लेकिन हमारे जहन पे है कि आपके ऊपर बोझ होगा जहन में प्रकाश को कातिल हमारे फला दोस्त ने किया था अच्छा तो वो हम आपसे आप माफी मांगने आए हैं तो आपके ऊपर वो झूठा है। मैंने अपनी किताब तो के अंदर भी लिखा है राजा अनवर ने कॉलम लिखे तो फिर ये कैसे हुआ कि ये सब कुछ के बावजूद आप हक की काबीना में चले गए में? अब देखिए आप आगे चले ठीक है बुट्टो साहब से एक सतार आ गए उन्होंने जो उनकी उन्हों जिम्मेदारी थी कि इस मुल्क को जमहूरियत देते, उन्होंने आइन बनाया तिहत्तर का दूसरे दिन इमरजेंसी लगा दी अमेंडमेंट्स करते रहे उसके अंदर नहीं इमरजेंसी लगा दी इमरजेंसी भी लगाई फिर अमेंडमेंट्स भी करते रहे वो के जिंदा होने तक वो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ इमरजेंसी की वजह से अच्छा फिर उन्होंने हमें जेलों के अंदर लेकिन मेरे सारे कपड़े उतार के जनवरी की रातों में बर्फ़ की सिलों पर लिटा के, फिर हाथों को लगा जी सुना है हमने। जिस वक्त तो मुझे पर हुआ था, सात पीपल पार्टी का यूनियन कहा बाबर साहब हमें तो, हमने तो को बुरा भला कहा तो उसने कहा मैंने कोई उसको अच्छा कहा नहीं तो उन्होंने बलोचितान और जमाने के फ्रंटियर की नैब की हुकूमतों को भी डिसमिस किया वो सब गैर जमहूरी इकदाम उन्होंने हाँ, किए हाँ, लेकिन मखदूम साहब फिर भी जब हाँ, ने कू किया उन्नीस सौ सतहत्तर में तो आप एक प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक भी तो बन के रह सकते थे मुझे कि भाई ये सारी पार्टियां उसमें पीडीपी थी नवाज मसूल थे उसमें वली खान पार्टी थी उसमें जे यू आई थी सारी की सारी हमने उनको कहा है कैबिनेट बना रहे हैं क्योंकि हम सियासत के अंदर आएंगे इलेक्शन ना करा सके तो हम लंबा अरसा बैठेंगे आप लोग जो हैं चलाएं और मैं साल के अंदर इंतबात करा दूंगा तो मैंने कहा फेमस लास्ट वर्ड्स झूठ बोलते रह गया तो सुन रहे, जब हम कैबिनेट uh, uh, में गए तो मैंने उनको जाके कहा कि मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ मुझे उन्होंने कहा कि देखें इलेक्शन हो रहे हैं इलेक्शन हो रहे हैं मैंने कहा आपके हाथ में तो लकीर भी नहीं है लेकिन मैं मेरी सियासत का आगाज है मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ मुझे आप इजाज़त दे दीजिए तो उन्होंने कहा पहले आप मेरे सर्व हैं आप फेडरल मिनिस्टर बन जाए आपको जिंदगी में ये काम आएगा मुझे तीन महीने के लिए फेडरल मिनिस्टर बना दिया ना कबूल करते ना नहीं। नहीं। मैं आज कर रहा हूँ ना एक डिक्टेटर के हाथों मैं, मैं अगर कोई मुझे उसके पास लड़ा कौन है आप के, साल लड़ा साल कौन है अरे यही तो जब, मेरे, यही जब, तो मेरे इंटरव्यू का मकसद है म, देखें। नाजरीन आप, को बताना आप, कि मखदूम जावेद हाशमी जो हैं वो अपनी आदत से मजबूर है नहीं, नहीं, मैंने, वो नहीं वो लड़ते भी हैं फिर वो डिक्टेटर के साथ भी मिल जाते हैं और फिर वो देखें और फिर वो कभी कभार राइट की पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बन जाते फिर वो रिवोल्ट कर जाते हैं उनकी उनके अंदर एक बागी है बहुत सुने और आपकी सारी सियासत बागी इस्टैब्लिशमेंट बागी इस्टैब्लिशमेंट राइट इस्टैब्लिशमेंट इसी तरह ही चलती आई है नहीं मेरी तो इस तरीके से बट मैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहादुर नहीं, 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 नहीं आप बहुत बहादुर हैं बात सुने ना बाउसूल है मैंने पहले तो जियालक के साथ इस्तीफा दिया घर फिर 85 की इलेक्शन में हिस्सा ले लिया अब जब 85 के इलेक्शन हुए पार्टी इलेक्शन जिसमें पीपल्स पार्टी नहीं थी उसमें उसमें आपने हिस्सा लिया मैंने नहीं लिया लिया जिन्होंने नहीं लिया सारी उम्र वो भी उसको कोसते रहे जो हिस्सा ले रहे, रहे, रह थे वो भी कोसते रहे तो जिन्होंने पचास, पचास सुने पचासी के बाद आप मेरी सियासत को खुद बत से जानती है ये बिल्कुल। मैंने कर, कर, कर साथ, वो तो मुझे वजीर बनाना चाहता था मैं जानती हूँ आपकी सियासत। मैं उसके से देखा तो है फिर क्या जब हजब अख्तलाफ थी नहीं हम तीस पैंतीस बंदों ने कहा हम हजब अख्तलाफ पढ़ेंगे और उसके बाद जो सैयद आब्दा हुसैन है वर इमाम है इन दौरान में ये मरहल चलते रहे हैं मखदूम साहब मानती हूँ मैं मानती हूँ कि एटी फाइव की इलेक्शन पार्टी लेस के बाद कोई हाँ, हिजब खिलाफ नहीं था और वहाँ पर मेरे कजन आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट टाइम इन दया लाइफ सैयद आबिदा हुसैन सैयद फखर इमाम आपकी उनके साथ बड़ीबत थी उनके इस्लाम घर में कितनी दफ़ा आपसे मुलाकात और आप उनका जो वो घर था वो एक हिजब इलाफ का महवर था बिल्कुल और वो एट्थ अमेंडमेंट के भी बहुत खिलाफ आप लोगों ने सब तो की लेकिन तो भाई को जब सब को, ने वोट दिया जी एट्थ अमेंडमेंट को वोट दिया मैंने नहीं दिया आपने नहीं दिया मैंने कहा भाई मैं मैं इसको नहीं मानता मैंने तो एक कसूली बात आपने जहन में सोची कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई राइट नहीं है कि वो हमें हुकूमत ना करने दे ब्रेक लेते हैं स्टे विद अस वेलकम बैक 1988 में बेनजीर भुट्टो वापस आईं पाकिस्तान और उन्होंने इलेक्शन लड़ा हम उनको इस दिया लेकिन आप आईजीआई में, में चले गए सुने जो तो हमारा इंडिपेंडेंस पार्लियामेंटेरियन का ग्रुप था आपको उस जमाने में यंग टर्क्स कहा करते थे हाँ बस यंग टर्क्स थे ना तो <laughs> वेरी यंग टर्क्स उसमें आप देखें कि जब हमारी तमाम लीडरशिप ने कहा कि वो हमारी हिस्से की जहाँ जहाँ हम जीते हुए हैं उसके वो टिकटें हमें ही मिलेगी मुझे नवाज शरीफ ने कहा मैं नहीं देता टिकट आपको मैंने कहा तुम कौन हो भाई मुझे मेरा पैंतीस साल तालुक रहा है नवाज शरीफ ने एक दफ़ा मुझे टिकट नहीं मैं उन्नीस सौ अठासी की बात कर रही हूँ हाँ। जब बेनजीर भुट्टो जब बेनजीर भुटो शहीद वापस आए हाँ। आपको अगर जमहूरियत के साथ हमदर्दी थी जमहूरियत की बहाली होने लगी थी बेनजीर का हक भी था कि वो आके एक साफ शफाफ जमहूरियत इलेक्शन में हिस्सा लेती आपको उनका साथ देना चाहिए था मैं... आपने नहीं दिया नहीं शेख रशीदा खा के घर बैठा रहा कि मुझे मेरी जो सीट है उसी की टिकट दे दें

वापस आ गए अच्छा देखिए आप बड़ी हक गोई करते हैं तो कह दें इसमें क्या हर्ज है कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने ये कहा फैसला किया कि बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ एक महाज बनेगा जिसका नाम आई जी आई इस्लामी जमहूरी इतिहाद होगा और वो बेनज़ीर भट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा उन्नीस सौ अठासी में आप उसका हिस्सा बन गए तो में, में, आप एडमिट कर दें इसमें क्या है मैं, मैं, हमने आपने कहा था

शामिल भी मैं उस वक्त आया जब जया साहब इस दुनिया से चले गए जब तक वो थे मेरे सामने उन्होंने मुस्लिम लीग नून बनाई है मुल्तान के अंदर आके बैठ गए और मैं हमें कहा कि ये हम पार्टी बना रहे हैं जो साहब साथ, साथ बैठे हैं इसमें शामिल हो जाएं तो वो तो उस वक्त मुस्लिम लीग थी ना मुस्लिम लीग नून तो बाद में तो बनी बाद में, वो तो, तो आपने तो जुनेजो को भी नहीं ज्वाइन किया नहीं मैंने वो मेरी उनसे सुलह हो गई थी मेरी उनसे थी लेकिन जब वो पचासी से अठासी तकों की बनी पार्टी पे खड़े थे तो हम उनके साथ कैसे कहते हैं कि कहतेम करते हैं आपको हमने तो जंग लड़ी मोहम्मद खान जुनेजो ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी की ऑन द जिनीवा अकॉर्ड्स भी किए और अफगानिस्तान से पुल आउट करने का उन्होंने ही एक इकदाम किया तो ये तारीख गवाह है कि जुनेजो का रोल का रोल पॉजिटिव रहा ये, ये सही है रोल पॉजिटिव रहा मैंने साथ दे दिया सैदा आब्दा हुसैन का वहाँ पे उनका शाहजीम के फार्म पे तो उन्होंने मेरे तकरीबन 42 मरबे ज़मीन वो उसके मेरे खिलाफ़ ही केस बना दिया कि ये गलत हुए हैं आज तक भी हमारे पास है आपकी एक्टिव पॉलिटिक्स को उस वक्त तक कोई लेट्स से बीस पच्चीस साल हो चुके थे जब से आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू की वगैरह वगैरह यहां तक अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ थोड़े से नंबर्स एलोकेट करूँ, वेल मीनिंग ब्रेव दलेर कई आपने इसमें इस दौरान बहुत अच्छे और बहुत जिसे कहते हैं अपने आप को खतरे में डालने वाले भी काम किए आपने कुछ बैक ट्रैकिंग भी की आगे पीछे भी गए फिर माजरतें भी की। तो लेट्स से वी गिव यू फाइव ऑन टेन अंटिल द मिड टू लेट नाइन्टीज़ उसके बाद आपका एक हीरोइक पीरियड शुरू होता है मुजनाचीज़ की नज़र में yeah. जब कू हुआ मुशरफ का जब आपकी लीडरशिप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब सब जेल चले गए और उसके बाद जब उनका माह मुशरफ से हुआ वो एग्जाइल में जद्दा चले गए आप जेल में रह गए वहाँ से मैं समझती हूँ आपका एक हीरोइक पीरियड शुरू होता है जब आपने तमाम तर अजियतों के बावजूद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उस वक्त क्या हुआ देखिए ना म, म, हुआ यही कि नवाज शरीफ साहब चले गए जाने से पहले मुझे कुलसुम नवाज शरीफ का फोन आया और उन्होंने कहा जी कि हम कहीं जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पर बता दें कि आपका मरहूम कुलसूम नवाज शरीफ साहेबा का एक बड़ा बहादुर रेजिस्टेंस था टू द मुशरफ माशा आपने मिल के जंग लड़ी उस वक्त जब नवाज शरीफ जेल में थे और कुलसूम साहबा बाहर थी आप उनके साथ थे कुछ और पी एम एल एन के लोग आपके साथ थे चंद ही लोग थे जिन्होंने उस वक्त उसको रजिस्ट किया तो फिर आप कह रहे हैं कि उनका फोन आया आपको हम बाहर जा रहे हैं और आप पार्टी की बागोर संभालें लेकिन उसमें मेरे अख्तियार जो हैं वो पूरा कट करके दिए गए तमाम अख्तियार जो थे पार्टी चेयरमैन को दिए गए टिकट वही दे सकते थे किसी को हटा वही सकते थे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस कर सकते थे तो आपके पास क्या अख्तियार था तो फिर? वही अख्तियार नहीं था मैंने अख्तियार आज के पीछे नहीं भागता मैं समझता हूँ कि मेरा जहन कहता है कि ये इस वक्त ये सही फैसला है ये सही कॉज है मा, सही काज है इसके लिए जंग लड़निंग लड़नी है दुनिया ने देखा कि हमने परवेज मुशर्रफ साहब की तमाम उनकी इब्तला का दौर जो था हमारे लिए तो हमने हती कि जो मेरे पार्टी वाले थे मियां नवाज शरीफ भी वो बैठ के लोगों को कहते थे उसको वसैल मुहैया ना करो उसको इतने पैसे ना दो वो तो आप हमारे मुकाबले में लीडर खड़ा कर रहे हैं मैंने मियाँ साहब से कहा जनाब मैं छोड़ देता हूँ पार्टी में तो जेल में बैठा हूँ का जो काज अगर है डेमोक्रेसी वो तो मैं लड़ूंगा आपके वर्कर वन के लडूंगा उसकी, उसकी क्या कीमत अदा की आपने जेल में क्या सलूक आपके साथ रवा रखा गया जेल जेलें जेले तो जेल ही होती अभी आप देखें शामों से मेरे बहुत अख्तलाफा बहुत बहुत शदीद, और बड़े लेकिन बात यह है कि मेरा तीन चार दफा हमने मिलकर इलेक्शन लड़े ये रीसेंटली भी ऐ, ऐसे हुआ है उसमें हमने कोशिश की कि हमने आगे की तरफ बढ़ना है वेलकम बैक आपके ऊपर 20 की दिहाई में बहुत तशद हुआ जी 23 साल की सजा हुई आपको जी आपको वहीं पर जेल में ही सजा सुना दी गई जी या। और आपको फालिज का भी अटैक हुआ या। तो इतनी बड़ी कीमत अदा की ये आज मैं बड़े अहम लोगों के साथ था थोड़ी देर पहले उनमें से एक अहम तरीन आदमी जो था मैंने कहा कि इन्होंने कहा था कि इसका एक बाजू तोड़ देंगे मैंने कहा आपने यही इतलाह दी थी वो बहुत बड़े आदमी हैं बता दें कौन है नहीं मैं बता दें साहब कोई गल नहीं हो किसी की नौकरी के पीछे क्यों पड़ो पढ़ो कहा आज तस्दीक की सब लोगों लो, लो के सामने और इस तरह तो होता है इस तरह के, इस कामों, इस तरह के, में। के कामों ये तो बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है बहुत बहुत आपकी माशाला छह बेटियां बेटिया है बेटा नहीं है नहीं है पे क्या गुजरी आज तक कुछ मुझे उन्होंने उनकी वजह से दुख की बात नहीं मिली उन्होंने तो आपको कभी दुख नहीं दिया हाँ। लेकिन आपने तो उनको बहुत दुख दिए ना अपनी चॉइसेस की वजह से तो, तो उसका, तो उसका बे, पड़ते तो हैं 2008 जब इलेक्शन हुआ उस वक्त आपके और पीएमएलएन की लीडरशिप के दरमियान दूरियां पैदा हो गई समझ भी आती है इनकी क्योंकि आपने जेल काटी वो बाहर थे लेकिन फिर भी इस दूरी की क्या वजह थी वो जब समझते हैं कि इनको भी लोग अहमियत देने लगे लेकिन देखिए वो किसी नहीं, का नाम नहीं सुन सकते इंसाफ करें। आ, शाहिद खाकान अब्बासी और बासी को वजीर आजम बनाने वाले नवाज शरीफ थे बनाया 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 क्यों बनाया और फिर उसके बाद आज कहाँ खड़ा है शाहिद खाकान मखदूम साहब एक मिनट शाहिद खाकान अगर पीएमएलएन से दूर हुए हैं ना तो वो नवाज शरीफ की वजह नहीं है उसकी और वजूहत है सही है मैं मानता दो हज़ार ग्यारह में आपने काफ़ी सारा अपना माजी एंटी इस्टैब्लिशमेंट गुजार के इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पी टी आई ज्वाइन कर ली और इमरान खान के हामी बन गए नहीं अब ये ये भी देखें इमरान खान आज बैठे जिंदा है, है वो मैं उसको ये अंदाज़ा था कि मेरे मुस्लिम लीग वालों ने ताल्लुक अच्छे नहीं रहे क्या है? ऐसे नहीं है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी हावी हो जाती है जहाँ भी आप जाते हैं कि जो लीडर्स हैं उनको आपके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है तुम साहब एडमिट कर लेना इस नहीं। बात नहीं। कर लें कर लें कि आप आपका जो आपका जो अंदर है ना वो आजाद है बीबी आजाद है ना तो मैं अंदर से कोई वो दो हजार ग्यारह की एक्सप्लेनेशन दीजिए मैं उस्ता हूँ वैसे तो आप हमारे उस्ताद है लेकिन आज मुझे आपको सवाल पूछना दो हजार ग्यारह में आपको पी टी आई में कौन लेके गया मखदूम सा हफीजुल्ला न्याजी, न्याजी के अलावा हफीजुल्ला न्याजी के अलावा कौन लेके गया आपको पीटीआई मुझे हफीजुल्ला न्याजी जो है वो मेरे शुरू से दोस्त हैं आपके सारी उम्र जी वो मेरे पास आया उसने कहा कि इमरान खान मुझे बहुत तंग कर रहा है कि आप मेरी पार्टी में आ जाए मैंने कहा हफीजुल्ला मैं इमरान खान का अपना जरिया है तो उसने कहा आप मिलें तो सही तो हम मिले मेरे घर आए तो वो वो कहने लगे कि आप ये मैंने पार्टी बनाई हुई है कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है हम इस मुल्क की सियासत को सीधे रस्ते पर डालना चाहते हैं कमाल है मखदूम साहब 2011 में तो बहुत बड़ा फ़कीदल मिसाल जलसा हो चुका था लाहौर में यादगार है तो, पाकिस्तान लाहौर में तो बड़ी पार्टी तो बन चुकी थी या बना दी गई लेकिन नहीं, नहीं, नहीं अभी भी अभी भी वो बड़ी पार्टी बनी नहीं थी तो आगे इलेक्शन आ रहे थे मैंने कहा मुस्लिम लीग हम नहीं छोड़ते तो उसने कहा क्या इमरान खान कि मेरा बाप मुस्लिम लीग ही नहीं है मैं मुस्लिम लीग की नहीं हूँ उन्होंने कहा मैंने कहा फिर आपके जो तो बहुत सारे जो इनकिनशंस हैं वो आपकी जनरल जनरलों के साथ जाती है उसने कहा जी आप मैं उनके बारे में ये ये कहता हूँ जो आज कह रहे उस वक्त आपको कहा उस वक्त कहा 2011 में आ, मैं कोई प्रोस्टैब्लिशमेंट नहीं हूँ उसने कहा आप ऐसे करें इक्वली इम्पोर्टेंट होता है और वो है प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी आपके जिम्मे होगा पार्टी मुझे ऑर्गेनाइज करके दे दे अभी तक वो तरीक से पार्टी नहीं बनी तो आपको किसी वर्दी वाले ने आपका हाथ पकड़ के वहां तक ऐसे तो नहीं हो सकता और उसके बाद खान साहब ने फरमाया एक विकेट गिर गई फिर वो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास चले गए जो आपके सालों से हरीफ रहे तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब भी पीटीआई में आ गए उस वक्त मैंने सोचा कि ये दो तलवारें एक म्यान में कैसे रहेंगी फिर मखदूम साहब उस वक्त आपने क्या किया फिर हम रहे नहीं है रहे? रहे। ठीक रहे। लड़ाई बल्कि कोई बात खान साहब से कहनी होती थी तो शामू मुझे कहते थे ये जरा खान साहब को ये बात तो कर दे 2014 में धरना हो रहा था इस्लामाबाद में पीक पे था धरना आपने बाहर निकल के असेंबल्ड प्रेस को कहा कि मुझे इससे डिक्टेटरशिप की बू आ रही है ये किसी के कहने पे हुआ है बात यह है कि मैंने इमरान ख़ान को मैं इसम्बली में बैठा था मेरे पास आए अलवी जो प्रेसिडेंट थे वो और दूसरी हिरन मजारी और शफक़त महमूद और एक दो और आदमी इन्होंने कहा जी वो तो काम खराब होने जा रहा है खान साहब तो तहिया के बैठे हैं कि हमने उड़ा देना है हर एक को तो आप की बात वो सुनते हैं हम तो कह कह के आगे हैं आप जाएं तो उनको मनाएं क्या कहें क्या चाहते थे आप उनको कहें वो यही कहते सुने ना कि ये ये रास्ता जो अख्तियार करना चाहते हैं असम्बली को तोड़ाना चाहते हैं अदलिया साथ मिलाना चाहते हैं तो आप उनको रोके मैं क्या घर बैठे थे मैंने कहा खान साहब ये जो आप कर रहे हैं इस जी, मुल्क के अंदर फिर आइन तो नहीं रहेगा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं टूटेगा नहीं, 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 नहीं आइन सुप्रीम कोर्ट बैठ जाएगी वो नवाज शरीफ के पास जाएंगे उससे इस्तीफ़ा लिखवा लेंगे मैंने कहा वो नहीं लिखेगा क्योंकि मैं उसके साथ था जब उसको उन्होंने कोशिश की थी और कहा था गोली भी मार देंगे तो उसे कहाँ मार दो तो कम से कम मियां नवाज शरीफ में और आप में ये कदर तो मुश्तरक है ना कि वो भी दलेर है नहीं दलेर है दलेर है लेकिन मैं, मैं तो हूँ कंगला वह इस मुल्क का अमीर तरीन आदमी उनकी जिंदगी के कई मजबूरियाँ होती हैं कोई मजबूरियाँ होती हैं वो जो एक हद तक लड़ते हैं लेकिन हमारा तो कोई हद व ही नहीं है उस वक्त 2014 में ये जो खान साहब ने आपको कहा कि उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा ये हकीकत है कि रात के बारह एक बजे उनके पास एक शख्स गए उनको भेजा गया नहीं? और कहा गया नहीं? कि आप इस्तीफा दे दें और आपकी प्रोडिक्शन सही निकली आ, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं, नहीं दूंगा ये वाक्य है आप देखें ये इसके बावजूद ये चल पड़े कि हम एक दिन का धरना देंगे एक दिन तो मैंने कहा कि भाई आप अपनी पार्टी को तो एतवाद में लें क्या करना चाहते हैं उन्होंने जी आपको मैं बता रहा हूँ कि मामला सारे तय चुके हो चुके हैं आप मेरी पार्टी की पार्लिमानी उसका भी बोर्ड का भी आप चेयरमैन हो जाए खान साहब इस तरीके से नहीं होता ये आपको इकतदार दे देंगे अगर फिर वो आपको आने वाले दिनों में जेल में डालेंगे आपने उनको कहा कि जमहूरियत का रास्ता इख्तियार हाँ। सबर करें और इलेक्शन लड़ें और फिर आप इलेक्शन के जरिए ऑफिस में हाँ वो हाँ। नहीं माने नहीं माने सुने ना इसको उन्होंने हमारी जो पांच छह आदमी थे हम कंटेनर के साथ एक और कंटेनर था उसके अंदर उन्होंने मीटिंग बुला ली कोर कमेटी की कोर कमेटी की, मैं भी दूसरों को भी समझा चुका था कि यार आग का अगर रही शरीफ मान गया है गारंटी प्रोवाइड कर रहा है क्या गारंटी प्रोवाइड कर रहे थे हल्कों का हम खोल खोल देंगे, फिर देंगे। तो आपने तो जंग जीत ली है आप खड़े होके कहेंगे कि ये ये चीजें हमने मनवा ली हैं तो विक्ट्री स्टैंड पे तो आप खड़े होंगे तो शामूद ने भी मेरी तहिद की क्या मैं आगे नहीं जाना चाहिए वो बेचारे वहाँ चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि हमने फैसला किया आगे नहीं जाएंगे तो खान साहब ने अपनी कॉ कमेटी की एक ना मानी तो बात तो यही है तो इसका मतलब ये है कि पीछे कुछ और हो रहा था ना खुरम गंडा पुर ने इनको कान में आके कहा मियाँ साहब मुझे इमरान खान ने जी मेरी पास। ये खुरम गंडापुर जो ताहिर कादरी साहब के हाँ, सेक्रेटरी उनकी सुनते ही मुझे कहा उन्होंने कि मखदूम साहब अब जाना पड़ेगा आगे आ, मैंने कहा अब जाना पड़ेगा आगे हाँ, मैंने कहा अभी तो आप फैसला करके हैं विद इन सेकंड्स आप चेंज कर रहे हैं आप के दोस्त बातें कर रहे होंगे आप उनका उनका आने का तो इंतजार कर लें उनका नहीं मैं आज आम जाएंगे मैंने कहा जी फिर मैं तो नहीं जाता जब आपने मीडिया टॉक की आपने असल में उस धरने से फूंक निकाल दी निकाली जी मकसद भी यही था देखें हमें बायदा बताया गया था कि इतने बजे सुप्रीम कोर्ट बैठ जाएगा और छुट्टियां मंजूर कर देंगे जजों की और वहाँ बैठ के वो असम्बली रिजर्व कर देंगे लेकिन उसके बाद आपने फिर ज़ाती तौर पे बड़ी कीमत अदा की आपकी प्रॉपर्टीज़ बुलडोज हुई यहाँ पर लोगों ने आके हमले किए आपने मुझे इंटरव्यू से पहले बताया था कि मखदूम रशीद का एक जो इलाका है जहाँ से आठ सौ साल पुरानी आपकी यहाँ रिवायत है यहाँ पर सुल्तान बलबन के ज़माने से लेकर इब्राहिम लोदी और मुग़लों के दौर तक और अंग्रेजों तक और पाकिस्तान के हसूल के बाद भी किसी ने इस तरह का कदम नहीं था उठाया, नहीं उठाया। जो कि आपके ऊपर उसके बाद हुआ तो हमारे अपने मुल्क में हमारे साथ ऐसे हाँ हो जाए मैं यही करना चाहता हूँ जो दोस्त हैं वो इमरान ख़ान को उन्होंने प्रोजेक्ट किया अब आप अपने मुल्क के हालात चीज़ें सब भूल जाएं लोग पुरानी क़्यादत से तंग आए हुए हैं किसी एक से नहीं तो उसमें उनको एक ही रास्ता मिला कि पाकिस्तान का कुछ हो ना हो एक आदमी यार खड़ा हो गया वो बैठ नहीं रहा हम वोट उसी को देंगे कल इमरान खान के से हट के भी इमरान खान जिंदा रहता है मर जाता है लेकिन वो कहते हैं इस मौके पे एक आदमी हमारे लिए खड़ा रहा है हम उसके साथ क्यों छोड़ें आखिरी सवाल आप आगे अपनी सियासत क्या देख रहे हैं और कौमी सियासत क्या देख रहे हैं देखिए हमारी मैं तो दो, दो चीज़ें अर्ज करता हूँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान बनने के साथ ही मजबूत होती गई सिविल ब्यूरोसी और हमारी मिल्ट्री ब्यूरोसी वो आज वो पीक पर वो आज ही मैं उनके एक आदमी से बात कर रहा था मैं बता रहा हूँ उसने कहा जी जिनका आप नाम नहीं बता रहे हैं उन्होंने कहा जी क्या हो गया बातें हो ज हो रही हैं तो इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है ये मुल्क मुझे क्या मुसीबत है कि मैं चुप नहीं कर रहा क्या मुसीबत है कि वो 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 मुसीबत तो वही है बारह साल के लड़के की मुसीबत है। वही है, कि भई ये मुल्क हूँ मैं बागी हूँ हाँ हूँ और रहूंगा और रहूंगा वो सियासतदान तो रह नहीं गए सब कहा कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई हाँ, में क्या, क्या सूरतें सूरत होंगी हो जो पिन्हा हो Thank you, Machtumsa. Yeah. Thank you so much.